अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पर पुराने तो शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने काम की तरफ चलते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए बुकलेट तैयार की, जिसके अंदर आपके तमाम पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के क्लोजिंग मेरिट्स, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी डिग्रीज़ करवा रही हैं, उसके अंदर क्या क्या है चीज़ें हैं ज़रूरी हैं, ठीक है। आपका मेरिट लिस्ट BDS का, MBBS का, लास्ट ईयर का जो अलाइड हेल्थ साइंस की डिग्रीज है उनका, लास्ट ईयर क्लोजिंग में BS प्रोग्राम्स का, DVM का, डी फार्मेसी का, हर डिग्री का मेरिट, हर यूनिवर्सिटी की डिग्रीज आलमोस्ट 78 to 68 पेजेस पे मुनसर है ये बुकलेट। इसे आप तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के आगे मैं आपको आगे बताता हूँ, जिसके अंदर मैंने आप मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है दोस्तों के लिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर वे के अंदर देखिएगा और क्या चीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुकलेट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, अब हम आते हैं अगेन अपनी बुकलेट की तरफ, जिसका आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके लिए हमने मिल के बुकलेट तैयार की है, जिसके अंदर आपके अंदर तमाम यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स, फ़ीस स्ट्रक्चर्स, पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर, उनके एडमिशन लास्ट क्लोजिंग क्या हो रहे हैं, मेरिट क्या क्लोजिंग हो रही है, जो आपके लिए डाटा कलेक्ट किए गए। तो मैक्सिमम ये 1868 पेजेस पे ये मुश्तमिल बुकलेट बनाई गई, जो आप स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, ताकि आप जितनी मुश्किल का शिकार हैं बार बार हर बंदे को कहने के बजाय खुद इसको बुकलेट को ओपन करें, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं आप इसके अंदर से ढूंढ लें, ठीक है। कुछ चीज़ें खुदा ना खासा अगर मिस हुई हैं, कोई इशू है तो वो इन्फॉर्म करें, लेकिन जो मिस हुई हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर अगेन ऐड की जाएंगी। ये बहुत मेहनत से आपके लिए 2-3 वीक के अंदर इंशाल्लाह इसको बुक को तैयार किया गया है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको दिखाता चलता हूँ साथ साथ, आप देखते चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के प्राइवेट, उसका मेरिट इतना नहीं होता, ठीक है। मेरिट के हवाले से इसके अंदर आपके लिए तमाम जो प्रोग्राम्स वो करवा रही है वो आपको मेंशन कर दिए गए यहाँ पर, ठीक है। कॉम सर की तरफ आते हैं, प्रोग्राम्स आपके मेंशन कर दिए गए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा बगैर, उसके अंदर ये देखें लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अंदर आपके लास्ट ईयर के देखें लास्ट मेरिट क्लोजिंग, तमाम मेरिट जो हैं कौन से रेगुलर करवा रहे हैं, सेल्फ स्पोर्टिंग में करवा रहे हैं, क्या है मॉर्निंग है इवनिंग है, क्या चीज़ें कौन कौन सी डिग्री, हर चीज़ के अंदर आपको मेंशन कर दिया, आपके नंबर्स भी कितने हैं उस हिसाब से आपको मेंशन कर दिया कौन कौन सी डिग्रीज है, ठीक है। कितना क्लोजिंग मेरिट है उसका, क्या चीज़ है, जैसे कि देखें फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, उसका लास्ट ईयर क्लोजिंग में 1008, ठीक है। उसके बाद युवास की जो मेन डिग्रीज हैं, DVM हो गया, लोअर कैंपस हो गया, डी फार्मेसी हो गया, MH3 हो गया, न्यूट्रिशन डाइट्स हो गया, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके अंदर मैंशन कर दी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर नीचे ये UT की आपकी लिस्ट आ गई, लास्ट जो उसके अभी एडमिशन ओपन होने हैं, UT के देखें आपके सामने आ गया कि ये सब चीज़ें आ गई जो जो आपको ज़रूरी हैं, आपके जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट ए कैटेगरी के अंदर क्या है, A1 मेल के अंदर क्या है, ठीक है, KS के अंदर क्या है, कलशो कैंपस के अंदर क्या है, फैसलाबाद कैंपस के अंदर क्या है मेरिट, UT लाहौर के अंदर क्या है, ठीक है, फैसलाबाद के अंदर कैंपस का इसके अंदर क्या है मेरिट, लाहौर के कैंपस के अंदर तमाम चीज़ें जो आपको एक रिक्वायर्ड है, जो आपको जेन शादी के लिए ज़रूरी है उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ चलते हैं, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पर हमारे BZU के तमाम ये मेरिट आ रहे हैं, इसके एडमिशन अभी तक ओपन है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी के यूनिवर्सिटी ऑफ नरोवाल आ गई, ओकाड़ा आ गई, ठीक है, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग आ गई है, जिससे लोग इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, जो आपने अगर आपने देखना है कि डी फार्मेसी कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती, फाइल ओपन करने देखे जी डी फार्मेसी कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, उसके देखें एडमिशन ओपन है, पता लग जाएगा ओपन है तो उसके अंदर अप्लाई कर लें, ठीक है, बहुत अच्छा आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं जी के जो ये हमारे आ गए हैं जी मेरिट लिस्ट आ गए हैं, MBBS और BDS के लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट के हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के आप देख लें किंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते हैं, जो इनका हाईएस्ट मेरिट होता है 94.62 पे क्लोजिंग, ठीक है, और जो उसका 94.205 है। उसके बाद किंग एडवर के जो मेडिकल डिग्रीज़ हैं मेडिकल है, उनके मेरिट 2019 के आगे 20 के नहीं मिल सके हैं, ठीक है, 19 के आपको लगाया जाए आपको थोड़ा जेन शादी हो, ठीक है, क्या मेरिट होता है इसका। और जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट नहीं होते, क्योंकि ये अपना टेस्ट देती है 100 स्टूडेंट जो फर्स्ट होते हैं इनको करती है, अपना मेरिट लिस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है, वो नानस यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लास्ट ईयर क्लोजिंग शो करती है, और प्यास भी नहीं अपना मेरिट शो करती, जो स्टूडेंट होंगे उनको इस तरह इन्फॉर्म करते हैं, कोई मेरिट नहीं होता है। ये स्कॉलरशिप्स आ गई हैं आपकी, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के उसके बाद स्कॉलरशिप आपको कौन कौन सी अवेल होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है, बुकलेट के ऊपर ये चीज़ें आपको तमाम चीज़ें इसके अंदर देखें मौजूद हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या दे रही है, कौन सा HSC दे रही है, PF दे रही है, SAS दे रही है, बैतुल मार दे रही है, कौन सा स्कॉलरशिप दे रही है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके अंदर नेम भी लिखे हुए हैं, उनकी डिटेल भी उनके साथ लिखी हुई है, ठीक है। देखिए इसके अंदर मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 78 यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा देती है, ठीक है, और आसानी आपको इससे क्या हो सकती है,
ये चीज़ें थी। और इस बुकलेट को लेने के लिए आपको लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से इस बुकलेट को डाउनलोड कर लें और इसका आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उससे खुद भी फ़ायदा उठाएं। अगर आप UHP के प्लेटफॉर्म से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप वाला, ठीक है, 03-06-72-52-952, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इनके ऑफिशियल ग्रुप्स और कैरियर काउंसलिंग के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, जजाक अल्लाह, शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।